नरसिंह पांडे ने कह दिया है इसके सारे शरीर में विष व्याप्त है, इसे कोई नहीं बचा सकता, पर मैं अपने गुरु की कृपा से और राजा का आदेश मिल जाए तो इसे मैं ठीक कर दूंगा। राजा सिन्हा सिंह ने नहीं समझ पाया किनकी माया क्या है, उसे तो अपनी बेटी प्राणों से भी प्रिय थी, तो राजा ने कह दिया कि महाराज अगर आप मेरी बेटी को जिंदा कर दोगे तो आधा क्या मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा। नरसिंह पांडे ने कह दिया है वर्मा जी हमें तेरी धन दौलत की जरूरत नहीं है, हे राजा अगर तू मुझे मन चाही वस्तु किसी की मनोकामना पूरी करने का वचन दे तो मैं तेरी बेटी को जिंदा कर दूंगा। राजा नहीं समझ पाया, कहने लगा ठीक है महाराज आप जो वरदान मांगोगे वो वर मैं आपको दूंगा। तो आज नरसिंह पांडे और सीरियल को जिंदा करने लगे, चावल मंगाए रोली मंगाई, और आज क्या किया नरसिंह पांडे ने, क्या किया ओमवीर भैया, आज नरसिंह पांडे सीरियल को जिंदा करने लगे, देश के बाईगी घट्टे हैं, और नरसिंह पांडे ने कौन सा मंत्र पढ़ा गुप्ता जी के काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो ये पीला हरा उड़निया गड़ीला गाट उजड़ में धोए कार ने खायो कारोई जाड़े में ना जानूं कोई उठ के बैठो विशियर मेरे काए कुरे तुम सोच अरे ताखी ने कह दई काए लहरियां तुड़वाई और आज सीरियल को जिंदा कर रहे मंत्र पढ़ रहे हैं काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तोए पीला हरा उड़निया गड़ीला गाटे उजड़ में धोए कार ने खायो कारोई जाड़े में ना जानूं कोई उठ के बैठो बिसियर मेरे काए पुरहे ओ तुम सोई अरे ताकी से कह दई काए तू कर लई भैया देरा। आज नरसिंह पांडे ने जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया ताकी नाग को इशारा कर दिया तो वर्मा जी ताकी नाग ने देर नहीं की तेजी से आ गया और नरसिंह पांडे के सामने फन फैला करके खड़ा हो गया। सर्व की तरफ देख करके लोग डरने लगे। नरसिंह पांडे बोले आप ये बताओ सर्वराज इस राजकुमारी को क्यों डसा, तो ताकी नाग बोला भैया इसने मेरे फन पर पैर रख दिया था इसलिए मैंने इसे डस लिया। नरसिंह पांडे ने कह दिया महाराज हुआ सो हुआ आप इस कन्या के शरीर से अपने विष को वापस ले लीजिए। इतना कहकर के ताकी नाग के सामने नरसिंह पांडे ने सीरियल के पैर के अंगूठा को कर दिया तो ताकी नाग पैर से अंगूठा से फन लगा करके और पांडे जी आज अपने जहर को वापस ले रहा है और कैसे कैसे भैया जहर सूती ताकीरा हो अरे मेरे भैया क्या हो अरे जहर सूती
क्या किया मुकेश भैया? कहा करो अरे तंदुलन मन में फूल खिल गो। अरे खुश है गए ओ राजा सिंधा सिंह वर्मा जी, कोई खुश भई जाकी माई। आज जब सीरियल जिंदा हो गई तो मेरे बाबा भक्त प्रेमियों सभी तंदुल नगरी के लोग खुशी मनाने लगे। नरसिंह पांडे और ताकी नाग दोनों संत के रूप में थे, राजा महलों के लिए ले जाता है। गंगा जल मंगा करके राजा ने दोनों के चरण धोए, उच्च आसन पर बिठा दिया और खीर पूरी बना करके राजा ने खूब खातिरदारी की। नरसिंह पांडे से कहा, महाराज आप हमसे अपने दोनों वरदान जो त्रिवाचा भरवाए वो मांग लो, मैं अपने ऋण से मुक्त हो जाऊं। राजा सिन्हा सिंह को जोशीले भाषण देते हुए सुना तो महात्मा बोले, राजन वरदान देना चाहते हो तो सुनो, पहले वरदान में क्या मांगा नरसिंह पांडे ने? क्या मांगा उम्र भैया जी? सुन लो राजन भैया, मैं खुशी आपकी चाहता हूँ। आ मेरे नरेश से टीका लौटा कर सीरियल को खुश में लौटा करके और ला करके तू बांग्लादेश के लिए भेज। और आज बोले पांडे, अरे टीका भेजो ददरे वामी, क्या बदे अरे टीका भेजो ददरे वामी, बांगल में लगुना भेज भैयो और मेरी के राजा मन शंका मत लैया। आज नरसिंह पांडे ने कह दिया, राजा तेरी भलाई इसी में है कि तू टीका बांग्लादेश के लिए भेज दे। ये क्या कह रहे हो तुम? और कहने लगे, भैया मुकेश